जो बाइडेन उसके साथ मुसाफा कर रहे हैं ऐसे यार, फर्स्ट लेडी और इसी हाँ, के और ये भी तुर्की गए हैं आम का तोहफा ले गए, और रतन टाटा मुकेश अंबानी, इन दो कंपनियों का जीडीपी हमारे मुल्क से ज्यादा है। फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड है इंडिया, उसके बाद डेमोक्रेसी दुनिया में सबसे पहले बड़ी डेमोक्रेसी वो इंडिया है। प्राइम मिनिस्टर ने अपनी पार्लियामेंट में खुद को भिखारी कह दिया, खुद को बैगर कह दिया, तो उसकी अपने मुल्क में रिस्पेक्ट नहीं कोई रही तो बाकी मुल्क में क्या रिस्पेक्ट रहेगी। जो नरेंद्र मोदी की इस टाइम रिस्पेक्ट चढ़ रही है ना, वो शायद ही हम लोग आम हैं तो आम ही लेके जाएंगे ना, कुछ स्पेशल होंगे तो स्पेशल चीज लेके जाएंगे। मोदी देखें कितने नायाब तोहफे लेकर गए, यही बात है। देखिए जब आप फाइनेंशियली स्ट्रांग होते हैं, आप किसी कंट्री से मांग नहीं रहे, तो उस वक्त आपको जाहिर है लोग आपके साथ सेल्फी भी लेते हैं, लोग आपके साथ बैठना भी पसंद करते हैं, लोग ये बताना भी पसंद करते हैं कि वो आपके फैन है। पड़ोस में हमारे जो बहन भाई हैं वो इतनी तरक्कियों पर है और दूसरी साइड पे हमारा है। आज कभी बेंच टूट रहे हैं, कुछ टूट रहा है, तो हमारे जो है वो ठीक नहीं है। चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। कंटेंट पसंद आ रहा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को पाकिस्तानी आतंकवादी का गला समझकर दबा दें। दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का अमेरिका में भव्य स्वागत किया गया है। इस दौरे से भारत और अमेरिका के बीच में नए बिजनेस प्रोजेक्ट्स, डिफेंस प्रोजेक्ट्स, आर्म इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की डेट फाइनल हुई है। अमेरिका के बड़े बड़े बिजनेसमैन और साइंटिस्टों ने मोदी जी की तारीफ की और इस तारीफ और सम्मान को एज यूजुअल पाकिस्तानी हजम नहीं कर पा रहे हैं। आइए देखते हैं इस वीडियो में भारत की तारीफ की कहानी पाकिस्तानियों की जुबानी। और रतन टाटा मुकेश अंबानी, इन दो कंपनियों का जीडीपी हमारे मुल्क से ज्यादा है, रिलायंस ग्रुप और टाटा ग्रुप। जो बाइडेन उसके साथ मुसाफा कर रहे हैं ऐसे यार, फर्स्ट लेडी और इसी के हाँ, और ये भी तुर्की गए हैं आम का तोहफा ले गए, तो वहाँ पे भी वो वजीर आजम आपका दो दिन पहले वो एक जो इन्होंने कर्जे वाली स्कीम में बांटे हैं कि जी हम दुनिया में जा जाते हैं लोग हमें मंगता समझते हैं, शक्ल देख के कह देते हैं जी हम मंगते हैं, तो जब आपका वीजा नहीं मंगता वाला रहना है तो आपने स्पेस स्टेशन कैसे फतह करने हैं। पंजाबी से कही देना जी नु जीए, बिल्कुल आप इंडिया को आंखें दिखाएं कि जी वो कश्मीर इशू ये तो वो, या हम कोशिश करें करते हैं जिस बाती के हम लाल किले में झंडा। सर मेरी बात सुने, आप कश्मीर आजाद ना करवाएं, अच्छा। आप छोड़ दें, ठीक है, हमें चाहिए ही नहीं कश्मीर। मुझे बताएं कश्मीर लेके क्या मिलेगा आपको, कोई उधर सोने की खाने हैं। 70 साल एक नारा लगाते रहे हैं कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, आप कह रहे हैं चाहिए ही नहीं। 75 सालों में आपके हालात ही हैं कि आप अपनी इमाम को वो आटा दे रहे हैं जो जानवरों को डालते हैं। IIT जो है उनकी एक है वो दुनिया की टॉप 50 यूनिवर्सिटीज में से है। हम इधर UET में एडमिशन के लिए रोते हैं जो दुनिया की 500 टॉप यूनिवर्सिटीज में नहीं आती। आई थिंक इन द कमिंग डिकेड जो है वो चाइना को जो है वो कहेंगे कि भैया हम अब हम है, ठीक है। दे आर द कमिंग सुपर पावर। फिफ्थ लार्जेस्ट इकॉनमी ऑफ द वर्ल्ड है इंडिया, उसके बाद डेमोक्रेसी दुनिया में सबसे पहले बड़ी डेमोक्रेसी वो इंडिया है। उनके पास एक प्रॉपर प्लान है और वो जो चीज़ करते हैं सबसे मेन चीज़ वो इन्फ्लुएंस नहीं, जो कंट्रीज हैं उन्हें लगता है कि इन पर किसी मुल्क का इन्फ्लुएंस नहीं है। उसके बरक्स अगर हम देखे जाए तो हमारी तो सबसे पहले तो इस चीज़ की अभी तक क्लैरिटी नहीं है कि हमारे मुल्क के फैसले कौन करेगा, क्या वो पोलिटिकल लीडरशिप करेगी या फिर हमारी एस्टेब्लिशमेंट करेगी। प्राइम मिनिस्टर ने अपनी पार्लियामेंट में खुद को भिखारी कह दिया, खुद को बैगर कह दिया, तो उसकी अपने मुल्क में रिस्पेक्ट नहीं कोई रही तो बाकी मुल्क में क्या रिस्पेक्ट रहेगी। जो नरेंद्र मोदी की इस टाइम रिस्पेक्ट चढ़ रही है ना, वो शायद ही हम लोग आम हैं तो आम ही लेके जाएंगे ना, कुछ स्पेशल होंगे तो स्पेशल चीज लेके जाएंगे ना। मोदी देखें कितने नायाब तोहफे लेकर गए, यही बात है। देखिए मेंटालिटी का डिफरेंस है। हम पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जब फ्रांस में पहुंचे तो उनके इस्तकबाल के लिए एक फीमेल आई छतरी लेकर, और उन्होंने किया क्या कि उन्होंने वो छतरी उस फीमेल से पकड़ ली और खुद आगे आगे चलते गए और वो फीमेल पीछे पीछे चलती रही, क्या कहें। ये तो बड़ी हैरान कन बात है, ये तो सारा काम ही खराब करके, एक तो चलो अल्लाह अल्लाह करके कोई इंटरनेशनल दौरे पे ऐसे चले ही गए हैं, तो उनको एक दिखाना चाहिए था कि अगर वो खुद भी पता नहीं समझ नहीं आई, इनको समझ नहीं आई ये सेंस इतना तो होता है कि अगर वो फीमेल भी हैं और अगर वो आपके लिए छतरी लेके आए, एटलीस्ट आप बल्कि ये दिखाते हो उसको आप छतरी में लेके जाते तो फिर पता चलता कि वो भीगे हुए जा रहे हैं, फिर एक बात बनती। और जहाँ आपने नरेंद्र मोदी की बात की है, वो तो उधर जबरदस्त उनके लिए एंथम भी लगाया गया और उनसे आने से पहले उनकी बड़ी तैयारियां थी। जब आप फाइनेंशियली स्ट्रांग होते हैं, आप किसी कंट्री से मांग नहीं रहे होते, चाहे वो कोई भी कंट्री हो, चाहे भारत हो या कोई दूसरा मुल्क हो, तो उस वक्त आपको जाहिर है लोग आपके साथ सेल्फी भी लेते हैं, लोग आपके साथ बैठना भी पसंद करते हैं, लोग ये बताना भी पसंद करते हैं कि वो आपके फैन है। लेकिन अगर आप पूरा टाइम सिर्फ इसी काम में लगाते हो कि आपने किसी कंट्री से कुछ मांग लेना है,
तो फिर लोग आपसे मिलने से भी बचते। और हमारे यहाँ भी जो गुजराती फैमिलीज हैं, चाहे वो कराची में हो या पाकिस्तान के किसी भी हिस्से में हो, वो बिजनेस में बहुत सक्सेसफुल हैं। और शायद यही वजह है क्योंकि अमित शाह साहब जो हैं वो भी गुजराती हैं और मोदी जी भी गुजराती हैं, तो उनका मेन फोकस जो हमेशा से रहा, जो के लोग भी बात करते हैं, और मुझे खुद भी ऐसा लगता है कि वो बिजनेस की तरफ रहा, इकोनॉमी की तरफ रहा। एक सर्वे हुआ है सोशल मीडिया पे, मैं देख रहा था, जिसमें 120 कंट्रीज ये चाह रहे हैं कि उन्हें इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जैसा प्राइम मिनिस्टर या हेड ऑफ स्टेट चाहिए। आपने अगर वो सर्वे देखा हो तो क्या कहना चाहेंगे आप उसके ऊपर? उस वक्त भारत की इकोनॉमी और फॉरेन पॉलिसी और बाकी चीजें, इवन एजुकेशन सिस्टम जिस तरह से चल रहा है, तो वो इस वक्त आप कह लीजिए कि एशिया की सबसे बड़ी कंट्री बनने जा रहा है। मैं बड़ा खुश हूं, बल्कि डिटेल बताना चाहूंगा आपको। और तेजा जहाजों के जो इंजन बनाने के जो डील चल रही है यहाँ पे, मैं यह बताना चाहूंगा, अभी तक सिर्फ दुनिया के 4 कंट्रीज हैं जिनके पास जेट इंजन बनाने की टेक्नोलॉजी मौजूद है, और उसमें इंडिया विल बी द नेक्स्ट 5th वन। भारत इज has gone to the maximum level where जहां कभी इजराइल की पोजीशन होती थी, आज वही भारत की रूबरू रिलेशनशिप में बनती जा रही है। वहां से देखा तो उन्होंने जो थोड़ी बहुत बातचीत की है उसमें ये भी कहा है कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के ऊपर काम किया जाएगा दोनों कंट्रीज मिलकर, और टेक्नोलॉजी के ऊपर भी उन्होंने कहा कि अमेरिका के साथ मिलकर काम किया जाएगा। तो मुझे हैरत ये है कि पाकिस्तान के टीवी चैनल इतना बड़ा इवेंट जो है वो कैसे मिस कर गए। 8 महीने के अंदर उन्होंने काफ़ी इन्वेस्टर जो है ना वहाँ पे लेके, वो भी ये छोटे इन्वेस्टर नहीं, काफ़ी इंटरनेशनल इन्वेस्टर लेके आए हैं। तो मुझे जो अभी जो लग रहा है US से वो गए हैं, तो एक इन्वेस्टर लेके आए, वो जाते हैं खाली हाथ नहीं वापस आते, वो कोई ना कुछ इन्वेस्टमेंट लेके ही आते हैं वहाँ पे। टेस्ला जैसी कंपनी अगर टोटली मेड इन इंडिया होगी तो इंडिया तो जाहिर बात है पहले भी वहाँ इन्वेस्टर आने को तैयार है, इन्वेस्टर की बहुत बड़ी जो है एक बहुत बड़ी एक मार्केट देखी जा रही है इंडिया, तो इंडिया बहुत आगे जा चुका है, इंडिया का कोई मुकाबला नहीं है। अगर हम अपने उसके मुकाबले में अगर अपने पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान तो दिन ब दिन यहाँ से जो इन्वेस्टर है आने की बजाय जो ऑलरेडी इन्वेस्टर है, जैसे कि एक शेल जैसी कंपनी है वो यहाँ से जाने को जा चुकी है, और रिसेंटली अगर बात करें सुजुकी जैसी कंपनी भी यहाँ से अपना सेटअप शट डाउन कर चुकी है। अपने दोस्त से बात हो रही थी तो वो बल्कि मुझे कह रहा था कि यार हम पाकिस्तान में क्यों पैदा हुए, हम इंडिया में पैदा हो जाना चाहिए था, कि वहाँ पे फ़ायदा है। और डेफिनेटली जब जिस कंट्री के अंदर आपको हर किस्म की सहूलियात होंगी तो क्यों ना बंदा वहाँ पे जाने का सोचेगा। हमारी जैसी यूथ तो आजकल ये सोच रही होती है कि हमारे पास कब वीज़ा है कनाडा का, यूरोप का, तो हम निकल जाए। आपको लगता है कि पाकिस्तान को भी एक नरेंद्र मोदी जैसे प्राइम मिनिस्टर की एक लीडर की ज़रूरत है? प्राइम मिनिस्टर मोदी ये दुनिया के पॉपुलर जो है ना प्राइम मिनिस्टर, और ये मैं इनको जो है लाइक करता हूँ, दिल से लाइक करता हूँ इनको प्राइम मिनिस्टर।